यस वाह गरबा मैं भी नाचूंगा गरबा वाह मजा आएगा आ हेलो हे हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो अरे ये कैसा डांडिया चल रहा है ये लोग हेडफोन लगा के क्यों नाच रहे हैं बंद करो ने मुझे बंद करो या गाना मुझे चिल्लाना सब कुछ मना है अरे म्यूजिक गाना चिल्लाना मना क्यों है बिना म्यूजिक के आदमी डांस कैसे करेगा अरे नहीं अब क्या होगा ये पब्लिक कहाँ भाग गई अच्छा खासा डांडिया चल रहा था चिल्ला दिया इतनी जोर से और भूत तो एपी ब्लास्टिंग हो उड़ी बाबा ये एपी ब्लास्टिंग क्या है ये क्या है लगता है बम है भागो नहीं पेड़ पे बोला था ट्री ट्री हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं वो तो टहनी बहुत नाजुक है यार इसे मेरे मज़ूम के अरे 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 बहुत दर्द हो रहा है भैया जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज ओ, तो डांडिया में मुझे कौन करने वाले तुम ही थे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता हाँ, आपका डांडिया लाइव टीवी पे देखा ने हाँ लेकिन डांडिया डांसर बॉम्ब का क्या लेना देना यहाँ खुश होना मना है भाई अगर कोई हंसता खेलता शोर मचाता है तो बॉम्ब कहीं से भी आते हैं और उसको चेस करके उसके ऊपर दम दमा दम फोड़ जाते हैं अबे अहमदाबाद सिटी में कोई खुशी नहीं मनाता हाँ चलो अबे पार्सल रखा है तो लो और जाओ यहाँ बैठकर खिलाने की सर्विस बंद कर दी है क्योंकि लोग खाते खाते जोक करते हैं हंसते हैं और बॉम्ब आकर फट जाते हैं ओके ओके भैया कोई बात नहीं थैंक यू साहब जी अभी टिप एक तो होटल में बैठ के खाने नहीं दे रहे हो ऊपर से टिप भी मांग रहे हो आज टिप ना देना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अरे चिल्लाओ मत बॉस आ जाएंगे टिप दे रहे हैं ये लो टिप चिल्लाओ मत यार ओके बूम रे बूम मत आओ एपी ब्लास्टिंग उड़ी बाबा बॉम क्या होगा उड़ी बाबा भाग रे अरे खसीदा राम रुको रुको डॉक्टर साहब सबसे फ्लाइट हेलमेट दे दो हम लोग उड़ रहे हैं अभी आओ आओ आप कैसे पकड़ोगे हमें ये तो उड़ते भी है मोटू इनको चैलेंज क्यों किया आपने बुलाया लंबू भाई कौन लोग हैं वो एक बार बम फटने के बाद भी शोर मचाते हैं हाँ कोई सिर फिरे लगते हैं उनको तो अकल ही नहीं है ने मना करने के बाद भी चिल्लाते रहते हैं बोलो लंबू ने उनका तंबू ना उखाड़ दिया ने तो लंबू नाम नहीं है ने।
बॉम्ब से तो बदला लेना ही है, लेकिन पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया सुनो, करना क्या है? अरे ये लोग फिर आ गए, जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। भागो यहाँ से। आ जाओ, हम लोग इधर ही हैं। बॉम्ब्स फट के दिखाओ, फट के दिखाओ। जाओ, आ गए। उड़ी बाबरे, फट के दिखाओ, फट के दिखाओ। ओए आ जाओ, बम किधर हो? आ जाओ, फटो। ओए मार से तो पकड़ लेने में भागो यार। ये लोग तो सारे बॉम्ब को लेके जा रहे हैं। लंबू ने इनका तंबू ना उखा दिया ने तो मेरा नाम लंबू नहीं। आज मेरे बॉम्ब इन सब को खत्म कर देंगे। आ लोगो, करना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों पानी नजदीक आ रहा है। लोगों ने मेरे सारे बॉम्ब खत्म कर दिए। ये लंबू है ने तुम्हारा तंबू उखाड़ देगा। ए, 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 मैंने क्या कहा था? ये लंबू है ने तुम्हारा तंबू उखाड़ देगा। हाँ। ए, हाँ। मेरे पैर, मेरे यार। अरे बापला, बस करो बस करो, मैं और अब नहीं लड़ सकता। तुमने तो लंबू का तंबू गाड़ दिया। लंबू भैया, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? वो क्या है ना, बचपन से ही लोग मेरी हाइट के लिए मुझे चिढ़ाते थे। मेरा तो घर से निकलना बंद हो गया था, पता है? और सब लोग ए लंबू, ए लंबू ऐसा कह के आवाज देते थे। बोलो, मैं स्कूल में भी नहीं जा सकता था, मैं कहीं नहीं जा सकता था। तब मैंने कसम खाई कि मैं एक दिन ये अहमदाबाद के लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो तुम जितना चिढ़ोगे लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा चिढ़ाएंगे। अगर चिढ़ोगे नहीं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो लोग कहेंगे कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम चाहे इसको जितना भी चिढ़ाए ये चिढ़ेगा नहीं, तो तुम्हें चिढ़ाना छोड़ देंगे और अपने काम धंधे में लग जाएंगे। एक्चुअली ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ऐसे ही करूंगा, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, खुद भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुश रहने दूंगा। लाइफ लाइन
कहीं जाने वाली लोकल जल्दी करो। अरे देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। अरे भाई साहब आप लोग पटरिया क्यों निकाल रहे हो? वो देखो वहाँ से ट्रेन ट्रैक पर आने वाली है, जल्दी से पटरिया वापस लगाओ। चलो भागो यहाँ से। मेरे बॉस का नाम है प्राण नाग। नाग का काटा तो बच सकता है लेकिन मेरे बॉस का काटा कभी नहीं बच सकता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना कहीं जाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? मेरा नाम है मोटू और तुम पतलू। अब आगे क्या बोलूं? इसका डायलॉग तो बहुत ही अच्छा था। अरे ये डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है, ट्रेन को रोकना है, पहले इनसे निपट लो। मारो इन्हें। अरे सत्तू खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से, ये आदमी तो खतरनाक लगता है। अरे मोटू जल्दी चलो, ट्रेन को रोकना होगा, पटरियां लगाने का टाइम नहीं है। ट्रेन रोको रोको ट्रेन रोको रोको ट्रेन रोको। ट्रेन तो बिल्कुल स्लो नहीं हो रही है। अरे जैकेट से काम नहीं चलेगा। अरे ट्रेन तो रुक नहीं रही है, और कपड़ा दिखाना होगा। हमें और कपड़ा चाहिए। ड्राइवर तो ट्रेन रुक ही नहीं रहा। अरे ये लोग ट्रैक पे क्या कर रहे हैं? लगता है ट्रेन को रोकने का इशारा कर रहे हैं। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवाई? अरे बड़े भैया आगे पटरी टूटी हुई है, इसलिए हमने गाड़ी रोकने के लिए इशारा किया। थैंक यू सो मच आपका। क्या आपने ट्रेन को रोकने के लिए ही अपने सारे कपड़े त्याग दिए? हाँ, ये बहुत ही महान आदमी है। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। बार अपने काम में नाकाम हुआ है। मुझे ट्रेन को गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन मैं उस काम में सफल नहीं हो पाया। अब मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। आपकी पावर का अंदाजा उन्हें हो सकता है लेकिन प्राण आपकी पावर का अंदाजा उन्हें नहीं है। अरे मोटू तुम तो स्टार बन गए, स्टार। अरे मोटू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे ही सारे कपड़े मिले थे, अपने कपड़े निकाल कर ट्रेन को रोक नहीं सकते थे क्या? ब्रेकिंग न्यूज, इस महान इंसान ने अपने सारे कपड़े त्याग दिए लोगों की जान बचाने के लिए और इस ट्रेन को बचाने के लिए। ये देखिए यहाँ। अरे मोटू तुम तो नेशनल हीरो बन चुके हो और हम ही पर गुस्सा कर रहे हो। अरे हाँ मैं तो नेशनल हीरो बन चुका हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
नाम है मेरा प्राणा। तुम जो भी हो ध्यान से सुनो, खाड़ी के ब्रिज को तोड़ दिया गया है, अब एक ट्रेन वहां से गुजरने वाली है। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, बचा सकते हो तो आकर ट्रेन को बचा लो। बाय बाय। क्या ये महान इंसान इस ट्रेन को रोक पाएगा? आपका हमें ट्रेन को कैसे पकड़ के रोकना होगा? आओ चलो, जल्दी चलो, खाली ब्रिज चलो। वो देखो वहां से ब्रिज टूटा है, प्राणनाग और उसके साथी भी वही खड़े हैं। चलो चलो उनको सबक सिखाते हैं। चलो यार, चलो प्राणनाग। तो तुम आ गए ट्रेन को बचाने। मेरे होते हुए ट्रेन को कुछ नहीं होगा प्राणनाग। तुम भी लो, नहीं दे सके। हमें मार पीट के भी तुम ट्रेन को बचा नहीं सकते। आज तुम्हें प्राणनाग की पावर का पता चलेगा। अरे भैया, हम भी जानते हैं कुंग फू स्नेक स्टाइल। मारो और मारो, ट्रेन तो आ गई। बचो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो ना। अरे मोटू, सोचना क्या है, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे ये क्या, ये ब्रिज तो टूटा हुआ है। अरे अरे बचाओ, अब ये क्या करने जा रहा है? मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। शाबाश मोटू, तुमने कर दिखाया। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ये आपने किया कैसे? ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जिन्होंने ये हरकत की है उनकी खबर लेता हूँ। प्राणनाग, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाग, हो गया कि और लड़ना चाहते हो? सॉरी भाई, हम तुमसे नहीं लड़ सकते। नहीं नहीं, आज के बाद हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हम ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है, पुलिस को तो आने दो।
नमस्ते।